नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक अलग टाइप का डिजिटल क्लॉक दिखाएंगे जो जिसमें एक ग्रेविटी सेंसर लगा हुआ है, जिसके कारण उसको कोई भी डायरेक्शन में अगर रोटेट करेंगे तो भी वो डिस्प्ले आपका बराबर चेंज हो जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आइए हम आपको इसका जो मटेरियल है वो मटेरियल आपको दिखाता हूँ। ये जो किट है, ये किट मैं AliExpress से मंगाया, अभी जस्ट 2 दिन पहले मिला है। इसमें सारा का सारा जो माइक्रो प्रोसेसर देन क्लॉक किट बहुत अच्छा तरीके से पैकिंग है, पैकिंग इज़ वेरी गुड। ये देखो दोस्तों, इसमें जो है ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, ओके। ये एक है, ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर है, अभी सील्ड है, बाद में हम खोलेंगे आपको दिखाएंगे। ये है आपका क्लॉक किट, दूसरा है बैटरी होल्डर, देन ये है बजर, ये है ऑनबोर्ड SMD टाइप कैपेसिटर। इसमें एक ब्लैक कलर मार्किंग है, एक पूरा वाइट कलर है, ब्लैक कलर जो होगा ना वो नेगेटिव होगा। इसमें एक USB 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए एक कनेक्टर है जो हमको बोर्ड में लगाना है, और इसमें हम जो मोबाइल में हम लोग पावर कनेक्ट करता है सेम पावर हम उसको दे सकते हैं। ये एक छोटा सा वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इसको भी हमको लगाना है। ये एक और एक कैपेसिटर है, SMD ऑनबोर्ड कैपेसिटर, और बाकी जो है ये आप देख सकते हैं, इसको कैपेसिटर रेजिस्टेंस सारा का सारा चीज़ है। ये जो है ये ग्रेविटी सेंसर है, इसमें मार्करी एक छोटा सा बॉल दिया हुआ है जिसको जस्ट मूव करने से ये कनेक्ट करता है, जस्ट लाइक ए स्विच। तो इसको हम लास्ट में कनेक्ट करेंगे, और इसमें बहुत सारा स्विचेस दिया हुआ है, जो स्विचेस इसमें आएगा। तो पोर्ट का बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, ये जो है ये पॉइंट, ये आप देख सकते हो ये वाला, ये हो गया आपका माइक्रो कंट्रोलर, ये पॉइंट जो है ये IC, ये हो गया क्लॉक किट, क्लॉक IC, और ये बैटरी होल्डर है। तो बैटरी जो चाहिए ये आपको मेमोरी को होल्ड करने के लिए है, जब आपका पावर सप्लाई चला जाएगा उस टाइम पे इसको ये मेमोरी को होल्ड करेंगे, जो मेमोरी हम लोग सेट करेंगे वो मेमोरी को होल्ड करेंगे, आपका डिस्प्ले तब नहीं रहेगा। जब अगेन पावर सप्लाई आएंगे उस टाइम पे आपको डिस्प्ले दिखेगा, और जो मेमोरी है, जो मेमोरी आपने सेट करके रखा था वो मेमोरी जैसे का वैसे ही रहेगा। अगर बैटरी वोल्टेज नहीं है, बैटरी अच्छा कंडीशन में नहीं है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो हर बार आपको वो क्लॉक को सेट करना पड़ेगा, जैसे ही वोल्टेज करंट चला जाएगा आपको अगेन सेट करना पड़ेगा दोबारा। ये सारा पॉइंट जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, ये छोटा वाला कैपेसिटर है, SMD कैपेसिटर 805 उसका ये टाइप। देन यहाँ पे जो पावर सप्लाई है 5 वोल्ट पावर सप्लाई का वो सॉकेट आएगा, इसमें ग्रेविटी सेंसर आएगा ये इस पोजीशन में। देन ये बैटरी होल्डर मैं बोला, यहाँ पे आपको स्विच आएंगे, 3 स्विच सेटिंग करने के लिए, बहुत सारा सेटअप करने के लिए। उसका बाद में लास्ट जो हम लोग करेंगे वो है, हम इसको ये डिस्प्ले है, ये टाइप का डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को हम इधर फिट करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो इसमें LD मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें LD1 LD2 लिखा है, इसमें इस जो डॉट मैट्रिक्स
डिस्प्ले है, इसमें आप देख सकते हो इसमें नंबर दिया हुआ है, इस नंबर और इस LD1 LD2 ए मैच करना है, लाइक आपको ऐसा पुट करना है। और इसमें और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें दो सेम डॉट मैट्रिक्स दिया है तो इसको जितना नज़दीक हो सकता है उसको डालना है, गैप नहीं डालना है, नज़दीक डालने से बहुत अच्छा डिस्प्ले आएगा उसमें। तो आइए दोस्तों हम उसको अभी सेटअप करेंगे, सेटअप करते हुए आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ओके दोस्तों, तो अभी हम इसको कैसे किया जाता है उसको दिखाएंगे। पहले हम इसको जो हमारा सॉकेट है उसको ला लेंगे। मेरे पास में ये एक सोल्डरिंग पेस्ट है, लिक्विड है, इसको हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। ये हम इसको डाल दिया, इसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारा हो गया, इसको हम ऐसा बैठेंगे, इसमें होल है तो ये बराबर इसमें मैच हो जाएंगे। और हमारा जो कनेक्टर है वो भी ये जो लाइन है इसमें मैच हो जाएगा। तो हमारा मेन जो जो पॉइंट है वो लास्ट का दो है, मतलब इधर से लास्ट, इधर से लास्ट। तो पहले हम इसको एक पॉइंट को सोल्डर कर देंगे ताकि उसको हम बराबर सेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम ये जो दूसरा पॉइंट है उसको भी हम लोग सोल्डर कर देंगे, ऐसा करके उसमें सोल्डर डाल देंगे तो अपना जगह से हिलेगा नहीं, रिजिड रहेगा। जस्ट आपको सोल्डर फ्लो करना है। ओके, अभी हम इसमें कनेक्ट करेंगे। वन टू, इसमें कनेक्ट हो गया दोस्तों। इसको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मेरे पास में एक माइक्रो व्यूअर है, ये है, उससे आप हमें एक बार चेक कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, इसका बाद में अभी हम ये जो दो माइक्रो कंट्रोलर और क्लॉक चिप है इसको हम सोल्डर करेंगे। इसको इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक डॉट मार्किंग है, ये देखिए यहाँ पे एक डॉट मार्किंग है, इस मार्किंग को उस आईसी में भी एक डॉट मार्किंग है, उस मार्किंग से मैच करना है। ये क्लॉक किट में भी यहाँ पे एक मार्किंग है, ये चेंज नहीं होना है, डायरेक्शन अगर चेंज होएगा तो आपका एक क्लॉक आईसी काम नहीं करेगा। तो अभी हम पहले माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगाएंगे, ये हम अभी खोल रहे हैं। पहले हम
भी पॉइंट में थोड़ा सा फ्लक्स, लिक्विड फ्लक्स अप्लाई कर देंगे तो इजी हो जाएगा काम। ये हम डाल दिया, उसके बाद में हम एक पॉइंट में सोल्डर डालेंगे, एक ही पॉइंट आईसी का पोजीशन चेक करने के लिए। हो गया, अभी इनको ऐसा करके इस आईसी का पॉइंट देखना है कहाँ पे है। अभी आईसी का जो पॉइंट है आप देख सकते हो इस तरफ है, ए डॉट है, मतलब ए डॉट इस डॉट को कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। तो आइए वैसा डाल देता हूँ। जस्ट एक पॉइंट में वर्क फ्लो करना है। अभी एक बार हम मैच करेंगे जो पॉइंट है वो सारा बराबर है कि नहीं। ओके, ये बराबर हो गया। अभी हम और एक पॉइंट को सोल्डर करेंगे, इस कॉर्नर वाला पॉइंट को सोल्डर करेंगे। कॉर्नर वाला पॉइंट भी सोल्डर हो चुका है। ठीक है, अभी हम उसके बाद सारा पॉइंट को सोल्डर करेंगे। सोल्डर कैसे करेंगे, हम इसमें ज़्यादा सोल्डर ले लेंगे, लेके उसको जस्ट उसको ड्रैग करेंगे। दोस्तों एक पॉइंट हमने अभी कंप्लीट कर दिया। अभी दूसरा साइड करेंगे, हाँ इस तरफ कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा साइड करेंगे। ये जो सोल्डरिंग टिप है ये चपटा ड्रैग टाइप होना चाहिए, पिन टाइप होने से काम नहीं करेगा सोल्डरिंग। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, क्लीन करके आप इसमें थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट अप्लाई कीजिए। करने के बाद इसको जस्ट हल्का सा ड्रैग करना है, ऐसा। ये आपका हो गया।
इसका बाद में आपको एक बार चेक करना है कि ठीक ठाक हुआ कि नहीं। अभी दूसरा साइड कर रहा हूँ, जस्ट हाथ का जाक करना है तो अपना वो ले लेगा। ये लास्ट साइड है, आप देख सकते हो। जस्ट शोल्डर फ्लो करना है, इसमें थोड़ा शोल्डर लग रहा है तो हम थोड़ा कम करके इसको और एक बार ट्रक करेंगे। हम जो क्लॉक आईसी है उसको डालेंगे। इसका भी आपको जो पॉइंट है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना है और नहीं तो आपका आईसी काम नहीं करेगा। वो आईसी ये है, इसका जो नोच है, इस नोच, इस जो वाइट कलर का डॉट दिया हुआ है बोर्ड में, उसको पॉइंट करना है। आइए हम इसको डालेंगे। उसका पहले थोड़ा सा लिक्विड फ्लक्स डाल देंगे, ये बहुत सही चीज़ है। SMD सोल्डरिंग करने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने ऑनलाइन भी मंगाया था, आप भी मंगा सकते हो। इसका बिना SMD सोल्डर करना बहुत मुश्किल जाएगा। तो अभी हम पहले एक पॉइंट को थोड़ा सा जस्ट सोल्डर डालेंगे। उसका बाद में ये जो नॉच है, इस नॉच को मैच करेंगे ऐसा। और उस पॉइंट को थोड़ा सा सोल्डर कर देंगे। अभी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आईसी का पिन को सेट करके और एक जस्ट टैग मारेंगे। ऐसा हो गया इसको। इसका बाद हम इसको फाइनल सोल्डर करेंगे। इसका क्योंकि पिन बहुत गैप में है तो हम इसको डायरेक्ट सोल्डर भी कर सकते हैं और नहीं तो ड्रैग सोल्डर भी कर सकता है। हम इसको डायरेक्ट सोल्डर करेंगे तो हमको थोड़ा टिप चेंज करना पड़ेगा। हम टिप चेंज कर लेते हैं। तो अभी आईसी का जो बाकी पिन है उसको हम सोल्डर करेंगे एक एक करके थोड़ा थोड़ा। इसको भी हम ड्रैग सोल्डर कर देंगे तो बेटर रहेगा। इसको जस्ट सोल्डर में जस्ट आपको टच करना है तो जो सोल्डर है अपना आप फ्लो कर लेगा पाथ। थोड़ा सोल्डर डालना है और इसको ऐसा जस्ट टच करना है। पूरा हर एक पथ को अपना आप ले लेगा। इसमें अभी लिक्विड फ्लास लगा हुआ है इसलिए चमक रहा है, अदरवाइज जब क्लीन करेंगे बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा अभी दोनों क्लॉक किट, क्लॉक आईसी एंड माइक्रो कंट्रोलर आईसी सोल्डर हो चुका है। अभी हम लोग इसमें ये डालेंगे, स्विचेस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, देन वोल्टेज रेगुलेटर, ये सारा का सारा चीज़ डालेंगे। अभी उसका पहले हम ये डालेंगे, ये जो R10 टू R13 है ये हमारा रेजिस्टेंस है तो पहले रेजिस्टेंस डाल देते हैं, फिर बाकी सारा चीज़ डालेंगे।
इसमें कोई पोलैरिटी नहीं हुआ है, नहीं होता है, तो आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए आप उस डायरेक्शन में डाल सकते हो। इसमें ऑलरेडी एक पॉइंट में सोल्डर लग चुका है, हम जस्ट टच करेंगे दूसरे सोल्डर में। SMT वर्क थोड़ा क्रिटिकल है तो आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो शोल्डर है वो ठीक से नहीं होगा। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस सोल्डरिंग। इसमें हम थोड़ा सा लिक्विड फ्लस डाल देंगे तो जो सोल्डरिंग है अच्छा से होगा। फिनिशिंग करेंगे, ये हो गया रेजिस्टेंस सोल्डरिंग। अभी हम जो SMD कैपेसिटर है उसको सोल्डर करेंगे। उसको हमको दो पीस चाहिए, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आप उसको कोई भी डायरेक्शन में डाल सकते हो। उसका जो सिंबल रहता है वो सी से रहता है, सी जो भी बोर्ड में सी लिखा रहेगा वो आपका कैपेसिटर रहेंगे, वो SMD कैपेसिटर नहीं तो ऑन बोर्ड कैपेसिटर। और जो पोलैरिटी कैपेसिटर रहता है उसमें वोल्टेज पोलैरिटी आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरफ डाल देंगे, इसमें एक पहले थोड़ा सा सेट करने के लिए सोल्डर डाल देते हैं। ये हो गया दूसरा वाला है, यहाँ पे इसमें भी एक पॉइंट पहले सोल्डर कर लेंगे। ये हो गया, अभी इसका दूसरा साइड भी हम सोल्डर कर लेते हैं। ये हो गया दूसरा साइड भी, अभी इसका बाद में हम अभी जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो डालेंगे।
ये वोल्टेज रेगुलेटर, इसको हम पहले बड़ा वाला जो चौड़ा वाला पॉइंट है उसमें डाल के बाद में छोटा वाला रेक को एडजस्ट करेंगे। अभी ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो भी सोल्डर हो चुका है, अभी हम कैपेसिटर सोल्डर करेंगे। एक बिगर साइज कैपेसिटर, एक स्मॉल साइज। ये कैपेसिटर सोल्डर करते हैं, इसको जस्ट फॉलो करना है तो अपना आप जगह में ले लेगा। एक कैपेसिटर हो गया, अभी छोटा वाला कैपेसिटर करेंगे। अभी छोटा वाला कैपेसिटर, इसको जस्ट शोल्डर फ्लो करना है तो अपना आप चला जाएगा। ओके, अभी हम लोग एक ऑनबोर्ड ट्रांजिस्टर जो है उसको सोल्डर करेंगे। ये यहाँ पे है Q1, Q1 को सोल्डर करेंगे। उसको पहले एक पॉइंट सोल्डर कर लेंगे, उसके बाद में Q1 एक पॉइंट पहले सोल्डर कर लेंगे। उसके बाद बाकी दो पॉइंट थोड़ा जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ।
ये हो गया। ट्रांजिस्टर सोल्डर कंप्लीट। इसके बाद में हम बजर को सोल्डर करेंगे। बजर का जो लॉन्ग लीड है वो जाएगा पॉजिटिव में, और जो शॉर्ट लिंक है जिसमें एक वाइट कलर का मार्किंग है वो शॉर्ट लीड है, वो है नेगेटिव। तो जो बजर का जो लॉन्ग लीड है वो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज रेक्टेंगल शेप, उसमें हम डालेंगे। बजर का जो लॉन्ग लीड है वो स्क्वायर पैड में, और जो शॉर्ट लीड है वो राउंड में। ये इसको सोल्डर करते हैं। ओके, बाजार सोल्डर हो चुका है। इसका जो लॉन्ग लीड है उसको काट देंगे। अभी बैटरी होल्डर डालना है, स्विचेस डालना है और ग्रेविटी सेंसर डालना है। तो आइए पहले स्विचेस डाल देंगे। स्विचेस डालना बहुत इजी है, इसका कोई पोलैरिटी नहीं होता है, तो हम डायरेक्टली इसको हो चुका है। अभी इसका दूसरा साइड भी डाल देते हैं। ओके, ये हमारा सारा स्विच लग चुका है। अभी हम डालेंगे बैटरी पोजीशन। बैटरी होल्डर का ये जो रेक्टेंगल पोजीशन है ये मैच करके डालना है, पॉजिटिव नेगेटिव मैच हो जाएगा। दोस्तों SMD वर्किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही क्रिटिकल है, तो आपको बहुत धीरज रखना पड़ेगा ये काम करने के लिए। नॉर्मल पिन टाइप नहीं है। इसके बाद में ये जो ग्रेविटी सेंसर है हम ऐसा डालेंगे
तो इसके लिए आपको जितना लीड चाहिए उतना लीड रख के बाकी आप काट कर सकते हैं। तो हम इसको इतना लीड रखेंगे और बाकी कट कर देंगे। ये हमारा ग्रेविटी सेंसर सोल्डर हो गया। अभी हम यहाँ पे सारा चीज़ हमारा सोल्डर हो चुका है, ये साइड में बोर्ड का साइड में कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। अभी हम ये जो एलईडी मैट्रिक्स है इसको सोल्डर करेंगे। इसके लिए जैसे कि आपको हम बोले थे, पहले ही बोला था जो LD1 LD2 इस साइड में आपका जो इसमें जो लिखा है वो मैच करना है। तो आइए वो उसको मैच करते हैं। ये एक हमने डाला, दूसरा वाला भी हम डाल देंगे। यह हम दूसरा वाला भी डाल दिया। तो पहले एक पिन हम सोल्डर करेंगे करके उसको सेटअप करेंगे, लाइन अलाइनमेंट करना है। तो दोस्तों एक पिन हम सेट कर दिया और ये हमारा अलाइन पिन भी बहुत बढ़िया आया। तो अभी हम बाकी सारा पिन सोल्डर करेंगे और उसके बाद आपको डिस्प्ले चालू करके भी हम देखेंगे कैसा है। यह हमारा अभी सारा जो पिन है वो सोल्डर हो चुका है। अब इसको हम लोग कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पिन है उसको हम कट कर देंगे, फिर हम आगे टेस्ट करेंगे। अभी एक हम लिक्विड से इसको क्लीन कर देंगे। क्लीनिंग करने के बाद एक बार सारा का सारा पिन चेक कर लेंगे आईसी का, ऐसे और कोई भी जॉइंट का। तो जो एक्स्ट्रा फ्लास्क है वो इस लिक्विड से क्लीन हो जाएगा। दोस्तों अभी हम इसको पावर सप्लाई देंगे। ये हमारा जो क्लॉक है ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कंप्लीट है। तो अभी हम इसको इसको पावर सप्लाई देंगे। ये हमारा घड़ी वर्किंग कर रहा है, ये सेकंड का कटा है, ये न्यू ईयर ग्रीटिंग आ रहा है। तो इसको अगर हम रोटेट करेंगे
तो उसी हिसाब में ये भी रोटेट हो जाएगा। ये देखें 12 इधर आ गया। अभी हम अगर रोटेट करेंगे तो न्यू ईयर चेंज हो गया। तो इसको जैसा इच्छा जो डायरेक्शन में चाहिए, जिस तरफ आपको ये पावर सप्लाई इजी हो जाता है, आप उस तरफ इसको डाल दीजिए ऐसा। तो अभी हम इसको फुल असेंबल करके फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हम इसको असेंबल करेंगे। ये दो कवर दिया हुआ है जो अली एक्सप्रेस से हमने मंगाया था उसमें, तो इसमें वो सेट करेंगे। तो अभी हम इसको इसका जो प्रोटेक्टिव कवर है उसको निकाल देते हैं। दोस्तों ये जो एक्रेलिक शीट दिया है इसमें हमने स्क्रू डाल के क्लॉक को सेट कर दिया, एकदम टाइट सेट कर दिया। अब ये हम बैक कवर लगा रहे हैं। बैक कवर लगा दिया तो देखने में ऐसा लगेगा बहुत अच्छा, एक सूदिंग कलर आएगा। चारों स्क्रू हम टाइट करें। इसका एडवांटेज यही है जब आप इसको आपका जो भी पावर सप्लाई का साइड होंगे तो आप कोई भी एंगल में कोई भी साइड में ऐसा रोटेट करके भी लगा सकते हो, और नहीं तो ऐसा भी लगा सकते हो। तो आप अभी पावर सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई देखने के बाद देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हमारा घड़ी कंप्लीट हो चुका है। इसमें 9:30 हम सेटअप किया। इसको कैसे भी डिस्प्ले रखेंगे, चेंज करके रोटेट करेंगे तो भी वो फ्रंट साइड आ जाएगा, चेंज हो जाएगा अपना ऐसा। तो इसको ऐसा हम बहुत सारा सेटअप चेंज कर सकते हैं। ये पहला बटन और दूसरा बटन आपको दबाना है तो ये टाइम दिखा रहा है। इसको अगर हम टाइम चेंज करना चाहेंगे तो ऐसा करके टाइम चेंज कर सकते हैं। तो ये सेकंड्स है, तो अभी हम टाइम चेंज नहीं करेंगे। हम अभी दूसरा जो डिस्प्ले है